30 तारीख को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व को लेकर नगर निगम महापौर ने संस्कारधानी की बहनों को बड़ी सौगात उपहार स्वरूप दी है। जहां इस अवसर पर महापौर ने संस्कारधानी में चलने वाली मेट्रो बसों को रक्षाबंधन पर्व के लिए बहनों के लिए निःशुल्क रखा है, जिससे बहनें निःशुल्क रक्षाबंधन के दिन बस में सफर कर सकेंगी। वहीं महापौर ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर लगभग 50 मेट्रो बसों को बहनों के लिए निःशुल्क रखा गया है। पिछले वर्ष इस सेवा को बहनों के लिए चालू किया गया था। इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व के लिए निःशुल्क बस सेवा बहनों के लिए शुरू की गई है, जिसमें शहर की बहनें बसों में निःशुल्क सफर कर अपना पर्व खुशी खुशी मना सके। कल रक्षाबंधन के त्यौहार पे संस्कारधानी की मातृ शक्तियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के साथ बना रहे। एक छोटी सी चीज़ जो पिछले वर्ष हम लोगों ने चालू की, पहले भी कभी ये होती थी पर कुछ वर्षों से ये बंद थी, रक्षाबंधन के दिन हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, उन सभी को जो हमारी मेट्रो बस है, सामान्य तौर पे जिसको हम मेट्रो बस कहते हैं, जो हमारी यातायात वाली बस है, सरकारी बस है, उन बसों में कल निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। सामान्य तौर पे ये बसेस लगभग 65 के आसपास चलती हैं, छुट्टी के दिनों में ये कम होती हैं, फिर भी 50 से 55 बसें चलती हैं और लगभग 5000 शहर की मातृ शक्तियाँ ऐसी होंगी जो कल हमारी मेट्रो बसेस में, चलो बस में निःशुल्क सफ़र कर सकेंगी। यही एक छोटा सा उपहार उनके आशीर्वाद के बदले में एक हम लोगों ने नगर निगम से तय किया है। संस्कारधानी वासियों को और सभी मातृ शक्तियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।